हेलो दोस्तों, मैं हूं मीर और आज मैं लेकर आया हूं एक बहुत ही बढ़िया एक्शन थ्रिलर मूवी शूटर को, जो 2007 में आई थी। अगर इस मूवी की रेटिंग की बात की जाए तो इसे बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिला था। जैसे आईएमडीबी पर इसे मिले हैं 7.2 स्टार आउट ऑफ 10, रोटन टोमेटो पर 47% फ्रेश विद 80% ऑडियंस स्कोर, मेटाक्रिटिक पर इसे मिले हैं 53 आउट ऑफ 100 और इसे 90% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम अमेरिकन मरीन के एक स्नाइपर बॉब को देखते हैं। उसके साथ उसका साथी डॉनी भी था। डॉनी बॉब को बताता है उसकी बीवी कुछ दिनों में नर्स की ट्रेनिंग के लिए जाने वाली है। दोनों ने इथोपिया के किसी रोड पर नजर रखी थी। फिर हम इथोपिया में मौजूद यूएस मिलिट्री बेस को देखते हैं। उन लोगों ने भी ड्रोन के जरिए अपने किसी दस्ते पर नजर रखी थी जो कोई काम निपटा के आ रहे थे। वो लोग बॉब और डॉनी के सामने आते हैं, लेकिन उसी रोड से एक आतंकी की गाड़ी आ रही थी। बॉब उस पर निशाना लगाता है और डॉनी उसे दूरी और हवा की इंफॉर्मेशन देता है। और बॉब इतनी दूरी से ही पहले उस मशीन गन पकड़े आदमी की खोपड़ी उड़ाता है, फिर उस गाड़ी के ड्राइवर की। रोड क्लियर था, यूएस मिलिट्री की गाड़ियां आगे निकल जाती है। बॉब और डैनी भी वहां से जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन तभी दुश्मनों की पूरी फौज उनकी तरफ आ रही थी। बॉब दूर से ही दुश्मनों को शूट कर रहा था, लेकिन वो सभी एक जगह रुक कर उन दोनों की तरफ अंधाधुंध फायर करने लगते हैं। बॉब अभी भी उन लोगों को दूर से ही मारे जा रहा था, लेकिन वो लोग पहाड़ के ऊपर इनडायरेक्ट फायर करने लगते हैं। डॉनी ये बात बेस में बताता है। वो लोग भी ड्रोन के जरिए उन्हें देख रहे थे, लेकिन उनका मिशन लीडर रेडियो बंद करवा देता है और उस बेस से निकल जाता है। इस तरफ दुश्मनों ने एयर सपोर्ट मंगवा लिया था। डॉनी ये बात बताने बेस से कांटेक्ट करता है, लेकिन चैनल बंद हो चुका था। मतलब उन्होंने बॉब और डॉनी को वही मरने के लिए छोड़ दिया। वो हेलीकॉप्टर उन दोनों को देख लेता है और उन पर फायर करने लगता है। बदले में बॉब हेलीकॉप्टर पर फायर करता है और डॉनी नीचे हमला कर रहे लोगों पर। हेलीकॉप्टर पलटकर उनकी तरफ आता है, फिर फायर करता है जिससे डॉनी को गोली लग जाती है और वो ऑन द स्पॉट ही मर जाता है। तब बॉब अपनी एक राइफल निकालता है और उस हेलीकॉप्टर पर निशाना लगाता है, और थोड़ी कोशिश करने के बाद बॉब उस हेलीकॉप्टर के विंग्स को शूट करके खराब कर देता है और वो हेलीकॉप्टर नीचे गिरने लगता है, और ये सीन यही कट होता है। अब कहानी 36 महीने आगे बढ़ती है। हम बॉब को देखते हैं जो अब किसी पहाड़ी पर दुनिया से दूर अपने कुत्ते के साथ एक घर में अकेला रहता है। दूसरी तरफ वर्जीनिया में कोई गवर्नमेंट ऑफिस में व्हीलचेयर पर हम एक आदमी को देखते हैं जो आकर वहाँ मौजूद एक आदमी को बॉब की इन्फॉर्मेशन देता है कि उसके लास्ट असाइनमेंट में उसका साथी मारा गया था, लेकिन फिर भी बॉब ने 70% लोगों को मार गिराया और बाकी भाग गए। जिस एजेंट ने उसे मरने के लिए छोड़ा था, कुछ टाइम बाद वो भी मरा हुआ मिला। बॉब के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और एक हफ्ते बाद ही वो रिटायर हो गया। अगले ही दिन वो बॉब से मिलने पहुंचते हैं, लेकिन बॉब उनसे कोई बात करने तैयार नहीं था। वो अपना नाम जॉनसन बताता है। उनमें से एक बॉब के कुत्ते को मारने की कोशिश करता है, लेकिन बॉब उसे धमकी देता है अगर उसने ऐसा किया तो वो उसे यही दफना देगा। उनका बॉस बॉब को अपना मेडल ऑफ ऑनर दिखाता है और बॉब से 5 मिनट बात करने के लिए पूछता है। वो बॉब को बताता है कुछ दिनों में उनके प्रेसिडेंट को मारने का प्लान बनाया गया है। वो किसी एजेंसी और गवर्नमेंट के पास नहीं जा सकते क्योंकि हर जगह जासूस मौजूद है। कुछ दिनों में प्रेसिडेंट को 3 जगह पब्लिक प्लेसेस पर जाना है। प्रेसिडेंट की स्टैंडर्ड सिक्योरिटी का घेरा 800 गज का रहता है, लेकिन उन्हें पता लगा है गोली 1 मील से चलाई जाएगी, जिसके लिए उन्हें बॉब की मदद चाहिए कि अगर बॉब उस जगह होता तो वो ये कैसे करता। बॉब बताता है इतनी दूरी से गोली चलाने के लिए हर चीज मायने रखती है, जैसे हवा, उमस, तापमान, धरती का घूमना। प्रेसिडेंट ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना होगा, इसका मतलब निशाना सीधा सिर में लगाया जाएगा। शूटर को ढूंढने के लिए दूसरी टीम लगी है, लेकिन फिर भी एहतियात के लिए उन्हें बॉब की जरूरत है, लेकिन बॉब मना कर देता है। तब जॉनसन उसे आर्मी में ली गई अपनी कसम याद दिलाता है, लेकिन बॉब उसे जाने के लिए बोलता है। तब जॉनसन उसे बोलता है अगर प्रेसिडेंट मारा गया तो वो हमेशा गिल्ट में रहेगा कि शायद वो प्रेसिडेंट को बचा सकता था। बॉब बाहर आता है। उसे उन लोगों की वैन बहुत पसंद आई थी। वो उस वैन के इंजन की फोटो लेता है। वो जाते हुए बात करते हैं। बॉब ने उनके गाड़ी के नंबर प्लेट की फोटो ली है। जॉनसन को पूरा भरोसा था बॉब मान जाएगा, क्योंकि एक सिपाही की देशभक्ति कभी खत्म नहीं होती, भले से ही उसे कितने भी धोखे मिले हो। फिर हम बॉब को देखते हैं। वो गहरी सोच में डूबा
हुआ था। फिर बॉब उतनी ही दूरी पर एक टारगेट रखता है जितनी दूरी से प्रेसिडेंट को शूट करने का प्लान था। फिर बॉब उस टारगेट पर निशाना लगाता है और शूट करता है। उसका निशाना लगता है, इसका मतलब प्रेसिडेंट को भी शूट किया जा सकता है। फिर बॉब अपने घर में रखी सारी गन्स के साथ कुछ करता है। फिर वहाँ से वॉशिंगटन डीसी पहुँचता है जहाँ प्रेसिडेंट का पहला दौरा है। बॉब वहाँ पहुँचता है जहाँ प्रेसिडेंट आने वाले थे। बॉब वहाँ की लोकेशन को ध्यान से देखता है, वहाँ की हर बिल्डिंग्स को नोटिस करता है और वहाँ लगे सीसीटीवी कैमरास पर भी ध्यान देता है। फिर वहाँ से मैरीलैंड जाता है जहाँ प्रेसिडेंट का दूसरा दौरा था। बॉब उस जगह को भी ऑब्जर्व करता है और उस जगह से बिल्डिंग्स की दूरी नापता है। फिर वहाँ से फिलाडेल्फिया आता है, वहाँ की भी लोकेशंस और बिल्डिंग्स को नोटिस करता है। वहाँ प्रेसिडेंट एक पार्क में आने वाले थे। फिर बॉब जॉनसन से मिलता है और उसे अपनी रिपोर्ट बताता है कि प्रेसिडेंट के ऊपर हमला फिलाडेल्फिया में किया जाएगा। बॉब ने 6 स्पॉट ढूंढे थे जिनमें से सबसे ज्यादा चांसेस एक चर्च के ऊपर से निशाना लगाने के है। बॉब वहाँ उस व्हीलचेयर वाले बंदे को नोटिस करता है क्योंकि वो बॉब की बताई इन्फॉर्मेशन लिख रहा था। जॉनसन उसकी रिपोर्ट से काफी इम्प्रेस हुआ था, लेकिन उन्हें शूटर को जिंदा पकड़ना है ताकि उन्हें पता चल सके प्रेसिडेंट को मारने का कॉन्ट्रैक्ट उसे किसने दिया, जिसके लिए जॉनसन उसे उस दिन अपने साथ रहने बोलता है, जबकि उसकी 6 टीम भी इसी काम में लगी थी। तब बॉब उस दिन उनके साथ रहने के लिए मान जाता है। फिर वो दिन आता है, प्रेसिडेंट फिलाडेल्फिया पहुंचते हैं। जॉनसन बॉब और अपनी टीम के साथ एक बिल्डिंग में आता है। बॉब वहाँ से उस जगह पर नजर रखता है जहाँ प्रेसिडेंट भाषण देने वाले थे। अभी वहाँ इथोपिया के आर्क बिशप भाषण दे रहे थे जो अपने देश में होने वाले अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी ने उस पार्क को चारों तरफ से घेर रखा था। उस जगह को देखकर बॉब समझ जाता है चर्च के मीनार से ही गोली चलाई जाएगी। कुछ ही देर में वह प्रेसिडेंट भी पहुंचते हैं। वहाँ हम एक निक नाम के FBI एजेंट को देखते हैं जो प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी में लगा था। वहाँ एक लोकल पुलिस वाला आता है, जॉनसन उसे बॉब से मिलाता है। तभी हम देखते हैं कोई प्रेसिडेंट पर निशाना लगा रहा था। बॉब समझ गया था यही समय है। बॉब तुरंत जॉनसन से उसकी टीम को उस चर्च में भेजने बोलता है, लेकिन जैसे ही बॉब पलटता है वो लोकल पुलिस ऑफिसर उसे गोली मार देता है और दूसरी तरफ प्रेसिडेंट की जगह आर्क बिशप के सिर में गोली लग जाती है जिससे वो ऑन द स्पॉट ही मर जाते हैं, जिससे वहाँ भगदड़ मच जाती है। इस तरह बॉब भी उससे बच के भागता है और एक खिड़की तोड़कर नीचे गिरता है, लेकिन ऊपर से वो पुलिस वाला बॉब को एक और गोली मारता है। इधर प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी गोली चलाने की जगह ढूंढ रही थी। इधर निक को भी पता लगता है प्रेसिडेंट के ऊपर गोली चली है। बॉब किसी तरह उस बिल्डिंग से बाहर आता है। वो लोग पुलिस वाले को भला बुरा बोल रहे थे क्योंकि बॉब बच गया था। वो लोग तुरंत उस जगह को खाली करते हैं और वहाँ बॉब की राइफल रख देते हैं जो उसने घर पर छोड़ी थी और बाकी सभी सबूत मिटा देते हैं। इधर बॉब निक तक पहुँचता है। निक उसे देखते ही गन निकाल लेता है, लेकिन तभी बॉब उसे पटक देता है और उसी को हथकड़ी से बांध कर उसके कार की चाबी ले लेता है। बॉब निक को बोलता है उसने प्रेसिडेंट को शूट नहीं किया और टीमन्स मतलब वो पुलिस ऑफिसर भी इसमें शामिल है। फिर निक की कार लेकर निकल जाता है। तभी वो पुलिस वाला भी वहाँ पहुँचता है। उसने बॉब को निक की कार ले जाते हुए देख लिया था। फिलहाल बॉब पुलिस से आसानी से बच रहा था क्योंकि वो FBI की कार में था, लेकिन उसे 2 गोलियां लगी थी। लेकिन तभी वो ऑफिसर वॉकी टॉकी पर बता देता है कि उसने बॉब को 2 गोलियां मारी है और वो FBI की कार में है और किस तरफ गया है। ये बॉब भी सुन रहा था। FBI के हेलीकॉप्टर भी उसी तरफ आ रहे थे। तब बॉब गाड़ी एक कार वॉश के अंदर ले लेता है। दूसरी तरफ जॉनसन को लग रहा था 2 गोली लगने के बाद बॉब 15 मिनट में कहीं मरा पड़ा मिलेगा। वही बॉब को उस कार में कुछ सामान मिलता है। बॉब अपने जख्म पर कॉफी पाउडर डालता है ताकि खून बहना रुक सके। इस तरफ FBI को पता चल गया था वो गाड़ी कार वॉश में गई है। वो सभी उसी तरफ बढ़ते हैं। बॉब तुरंत उस कार वॉश से निकलता है, लेकिन रोड पर आते ही हेलीकॉप्टर और पुलिस की कार उसके पीछे पड़ गई थी। तब बॉब को नदी के ऊपर एक पुल दिखाई देता है। बॉब कार को पुल की तरफ भगाना शुरू करता है, लेकिन रोड क्रॉस करते समय एक ट्रक उसे पीछे टक्कर मार देता है जिससे उसकी कार रुक जाती है और पुलिस उसे तीनों तरफ से घेर लेती है। लेकिन बॉब कार रिवर्स भगाना शुरू करता है और सभी सिक्योरिटी ग्रिल्स तोड़ते हुए कार लेकर सीधा नदी में कूद जाता है। FBI नदी छान रही थी। उन्हें कार तो मिल जाती है, लेकिन उसमें कोई नहीं था। FBI का मेन ऑफिसर नदी के चारों तरफ सर्च ऑपरेशन चलाता है। फिर हम बॉब को देखते हैं जो एक नाव की रस्सी पकड़कर वहाँ से निकल गया था। दूसरी तरफ मीडिया और लोगों की नजरों में वो पुलिस वाला हीरो बन गया था और निक शर्मिंदा होकर वही बैठा था। दूसरी तरफ बॉब को हमें किनारे पर देखते हैं। नदी में नाव से और हेलीकॉप्टर से उसे ढूंढा जा रहा था। बॉब बाहर आता है। उसकी हालत खराब होती जा रही थी। तभी उसे वहाँ एक ट्रक मिलता है। बॉब तुरंत उस ट्रक में जाकर उसे स्टार्ट करता है, फिर वहाँ से निकल जाता है। FBI ऑफिस में सभी न्यूज देख रहे थे जहाँ बताया जा रहा था कि बॉब को 2 गोलियां लगी है और निक से बॉब कार और गन छीनकर भाग गया जिससे उसकी काफी बदनामी होती है। साथ ही
FBI की भी, उसका ऑफिसर उसी पर इंक्वायरी बैठाता है। लेकिन निक शर्मिंदा नहीं था, क्योंकि उससे एक मरीन ने गन छीनी है और वो तो बस कुछ हफ्ते पहले ही ज्वाइन हुआ है। वो यहाँ जिक्र भी करता है कि बॉब ने क्यों बोला कि उसने प्रेसिडेंट पर गोली नहीं चलाई, और वो पुलिस ऑफिसर भी मिला हुआ है, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता सिवाय वहाँ मौजूद एक गलिंडो नाम की लड़की के। ऑफिसर उसे धमकी भी देता है लेकिन निक पर उसका कोई असर नहीं होता। दूसरी तरफ बॉब एक स्टोर के पास रुकता है। जब वो वहाँ जाता है, टीवी पर उसी की न्यूज चल रही थी। जहाँ जहाँ प्रेसिडेंट जाने वाले थे वहाँ वहाँ बॉब को देखा गया था, जैसे वो कोई प्लान बना रहा था जिससे उसके खिलाफ सबूत और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। बॉब उस स्टोर की लाइन कट कर देता है, फिर अंधेरे में जाकर स्टोर कीपर से कुछ सामान मांगता है। पहले तो वो मना करती है लेकिन आखिर में मान जाती है, क्योंकि बॉब को कुछ मामूली चीजें ही चाहिए थी। फिर बॉब बचते हुए एक पब्लिक टॉयलेट में आता है और उन चीजों को निकालता है जो उसने स्टोर से खरीदी थी। फिर नमक और शक्कर को पानी में मिलाकर ग्लूकोज बनाता है और उसे खुद में इंजेक्ट करता है। FBI में निक को कॉल सेंटर में डिमोट कर दिया गया था। तब निक को उसी स्टोर कीपर का कॉल आता है। उसे शक था बॉब ही उसकी दुकान पर आया था। निक उस खबर को लेकर अपने सीनियर के पास जाता है, क्योंकि बॉब ने नमक, पानी और शक्कर खरीदी थी। निक बताता है क्योंकि सदियों से जख्म को ठीक करने शक्कर का इस्तेमाल होता रहा है, लेकिन उसका सीनियर उसकी कोई बात नहीं सुनता। दूसरी तरफ बॉब में थोड़ी ताकत आती है, वो अपना हुलिया बदलता है, फिर वहाँ से कहीं दूर जाता है। उसकी हालत खराब होती जा रही थी। दूसरी तरफ रात में निक घर नहीं जाता और उस फुटेज को एनालाइज करता है जिसमें प्रेसिडेंट पर गोली चली थी। वो बॉब के बारे में भी पता करता है। सुबह बॉब नी सिटी पहुंचता है और वहां से किसी के घर जाता है। यहां उसके दोस्त डोनी की बीवी सेरा रहती थी, जो मूवी की शुरुआत में मारा गया था। पहले तो वो बॉब को देखकर डर जाती है और उसे अंदर नहीं आने देती। उससे ही बॉब को पता चलता है कि प्रेसिडेंट नहीं बल्कि आर्क बिशप मरा है। बॉब उससे बहुत रिक्वेस्ट करता है क्योंकि वो नर्स है, लेकिन उसने नर्स की पढ़ाई आदि में ही छोड़ दी थी। उसे बॉब में सच्चाई नजर आती है। वो बॉब को अपनी गाड़ी गैराज में रखकर उसे अंदर बुलाता है। बॉब उससे पहले कभी मिलने नहीं आया था और हर साल उसे फूल भेजता है। वो बॉब का इलाज कर सकती थी। बॉब उसे सामान की लिस्ट देता है और उसे सामान अलग अलग दुकान से खरीदने बोलता है ताकि किसी को शक ना हो। सुबह FBI ऑफिस में गेलिंडो आती है, जहां उसे निक पहले से मिलता है, क्योंकि वो रात भर घर ही नहीं गया। निक को पता लगा था शूटिंग के 10 मिनट बाद ही सारे सबूत और रिपोर्ट FBI ऑफिस पहुंच गई थी, जबकि अभी भी वो बॉब को ढूंढ ही रहे थे। उसने बॉब के बारे में भी पता किया था। उसने 1000 गज की दूरी से एक सिक्के पर 4 बार शूट किया था। साथ ही उस दिन हवा बिल्कुल सीधी थी, जो प्रेसिडेंट को शूट करने के लिए बिल्कुल सही थी। तो कैसे बॉब जैसा शूटर जो एक सिक्के पर 1000 गज की दूरी से निशाना लगा सकता है, वो 2000 गज की दूरी पर खड़े इतने बड़े टारगेट मतलब प्रेसिडेंट को कैसे मिस कर सकता है। उस पुलिस ऑफिसर के बयान के मुताबिक उसने एक राइफल बिल्डिंग की खिड़की से बाहर देखी और ऊपर जाकर बॉब को गोली मार दी, जबकि कोई भी स्नाइपर कभी खिड़की से बाहर बंदूक नहीं निकालता, बल्कि वो कमरे के अंदर से ही शूट करता है आड़ के सहारे। निक को उस पुलिस वाले से बात करनी थी, लेकिन गेलिंडो उसे बताती है कल रात ही किसी चोर ने उस ऑफिसर को गोली मार दी। गेलिंडो का मानना था उस ऑफिसर की किस्मत खराब थी, लेकिन निक के हिसाब से एक साजिश में हर सुराग को मिटा दिया जाता है। इस तरफ सेरा इलाज का सामान लेकर आती है, फिर बॉब का इलाज करती है। दूसरी तरफ निक की इन्वेस्टिगेशन जारी थी। वो तहकीकात करते हुए उस चर्च तक पहुंचता है, फिर उसके मीनार पे जाता है जहां उसे जमीन पर कुछ होल्स मिलते हैं। निक उन होल्स की दूरी नापता है। जॉनसन सभी पर नाराज हो रहा था क्योंकि बॉब अभी तक नहीं मिला। सबको लगता है 2 गोली लगने के बाद वो मर चुका होगा, लेकिन व्हीलचेयर पर बैठा आदमी बोलता है बॉब अभी तक जिंदा है। वही बॉब को 2 दिन बाद होश आता है। सेरा उसे बताती है टीवी न्यूज पर बताया जा रहा है घर से निकलने से पहले उसने अपने कुत्ते को गोली मार दी थी और उसका नाम भी गलत बता रहे थे। उसके कुत्ते का नाम सैम था, जिसे उसने बचपन से पाला था। दूसरी तरफ निक इंटरनेट पर रिसर्च करता है। उसे पता लगता है एक कंप्यूटर ऑपरेटेड रिमोट कंट्रोल राइफल है जिसे खड़ा करने उतनी ही दूरी पर होल करने पड़ते हैं, लेकिन निक पर भी किसी ने नजर रखी थी। अगले दिन बाद बॉब काफी ठीक हो चुका था। वो सेरा से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछता है, लेकिन उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। सेरा पूछती है वो आगे क्या करेगा, क्योंकि वो लोग उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन बॉब बोलता है वो पहले उन लोगों को किसी और के पीछे लगाएगा। रात में बॉब जाने की तैयारी कर रहा था। सेरा उसके लिए डोनी की राइफल लेकर आती है। सेरा उससे पूछती है आखिर वो उनका काम करने तैयार क्यों हो गया था। तब बॉब बताता है क्योंकि जॉनसन को पता था कौन सा बटन दबाना है। उसने देशभक्ति का बटन दबाया क्योंकि उसे पता था एक असली फौजी की देशभक्ति कभी खत्म नहीं हो सकती। बॉब के पास एक प्लान था जिसके लिए वो सेरा की मदद मांगता है, और सेरा बिना प्लान सुने ही उसका साथ देने मान जाती है। फिर सेरा भेष बदलकर निक से मिलती है
है और उसे पूरी बात बताती है। साथ ही वो निक को जॉनसन के गाड़ी की फोटो देती है जो बॉब ने खींची थी। भले से ही नंबर प्लेट गलत हो लेकिन उसका इंजन नंबर सही होगा क्योंकि उसे कोई नहीं बदलता। बाहर से बॉब ने उन दोनों पर नजर रखी थी। सेरा पहले बाहर आती है और कार में जाकर कांपने लगती है। फिर निक बाहर आता है लेकिन बॉब को दो पुलिस ऑफिसर ने देख लिया था। दोनों उसके पास जाकर उसकी आईडी पूछते हैं लेकिन बॉब उन्हें मार कर किसी तरह वहां से निकलता है। निक ऑफिस में जाकर एफबीआई के सर्वर में उस कार का इंजन नंबर डालता है लेकिन उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए उसे पासवर्ड चाहिए था। निक जाकर गेलिंडो की मदद मांगता है। वो उसे बताती है बाकी की जानकारी एक्सेस करने के लिए उसे डेल्टा लेवल क्लियरेंस लगेगा। दूसरी तरफ जॉनसन को पता लगता है एक एफबीआई ऑफिसर ने डेल्टा लेवल क्लियरेंस मांगी है और ये वही एफबीआई ऑफिसर है जिससे गायब होने से पहले बॉब मिला था। निक को क्लियरेंस मिल गया था। गेलिंडो ने पता किया था वो गाड़ी किसी गुप्त कंपनी की है। वो सरकारी कंपनी नहीं है लेकिन उस कंपनी के कॉन्टेक्ट सरकार और फोर्स के बड़े बड़े लोगों से है। निक गेलिंडो से बात कर ही रहा था लेकिन कुछ लोग आकर उसे किडनैप कर लेते हैं। वो लोग निक को टॉर्चर करते हैं फिर किसी मैकेनिज्म से उसे खुद को गोली मारने के लिए मजबूर करते हैं। उन्होंने निक के बदले एक सुसाइड नोट भी लिखा था जिससे केस तुरंत क्लोज हो जाए। लेकिन तभी इस टकले को कोई शूट करता है। एक आदमी निक के पीछे छुपता है लेकिन फिर भी कोई उसका भेजा उड़ा देता है। तब तीसरा आदमी अंदर आता है लेकिन बॉब बहुत दूर से ही एक नाव पर से उसे भी मार गिराता है। बॉब निक के पास आकर उसे छुड़ाता है। निक को बॉब पर यकीन था। वो बॉब को सरेंडर करके केस लड़ने बोलता है। इस हादसे से वो साबित कर सकता है उसने बिशप को नहीं मारा। लेकिन बॉब तैयार नहीं होता क्योंकि वो लोग अंत में बाहर आ जाएंगे और फिर से अपना काम शुरू कर देंगे और बॉब मर चुका होगा। इसीलिए निक भी उसका साथ देने तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ जॉनसन को पता चलता है निक को डेल्टा लेवल क्लियरेंस मिल गई थी और उनके आदमियों को किसी ने बहुत दूर से ही मार गिराया और निक अब गायब है। जॉनसन तुरंत समझ जाता है ये बॉब का ही काम है और निक अब बॉब के साथ है। तभी उन्हें एक और न्यूज मिलती है। बॉब के अकाउंट की छानबीन करने से उन्हें पता चल गया था कि हर साल बॉब एक औरत को फूल भेजता है और ये उसके साथी डॉनी की वाइफ सेरा है। वो ही अकेली है जो बॉब पर भरोसा कर सकती है। जॉनसन तुरंत अपने आदमियों को सेरा के घर भेजता है। फिर बॉब और निक एथेंस नाम की जगह आते हैं। जंगल के बीच कोई गन एक्सपर्ट रहता था। बॉब उससे जाकर मिलता है। बॉब उससे पूछता है क्या किसी राइफल से चली गोली बिना किसी निशान से दूसरी राइफल से चल सकती है। वो बताता है उन्हें ऐसी गोली मिले जो पहले सफाई से फायर की गई हो और दूसरी राइफल का ग्रुप उससे मैच हो तब ऐसा हो सकता है। निक बताता है आर्क बिशप से निकाली गई गोली लगते ही तबाह हो गई थी क्योंकि वो पहले भी चल चुकी थी। बॉब पूछता है एक ही गोली दो राइफल से कैसे चल सकती है, उसका कोई तो तरीका होगा। तब वो आदमी एक किताब में देखकर बताता है पेपर पैचिंग से। गोली को पेपर में अच्छे से लपेट कर फिर से फायर किया जाए तो पेपर राइफल में ही रह जाएगा और गोली फायर हो जाएगी जिससे ऐसा लगेगा वो गोली पहली राइफल से एक ही बार चली है। बॉब उससे आगे पूछता है कोई ऐसा आदमी है जो 3000 गज की दूरी से निशाना लगा सकता हो। तब वो बताता है एक आदमी है बॉब ली स्वाइगर, मतलब वो उसी की बात कर रहा था। लेकिन बॉब पूछता है उसके अलावा कोई और हो सकता है। तब वो बताता है एक आदमी है जो इतनी दूरी से निशाना लगा सकता है लेकिन अब वो बंदूक नहीं चलाता। वो एक दरिंदा था जो पहले अपने शिकार को घायल करता फिर उसके साथियों के आने के बाद उन्हें भी मार गिराता। उसे पकड़ने के लिए एक 6 मंजिला इमारत को घेरा गया लेकिन उसने वो बिल्डिंग ही उड़ा दी। किसी को नहीं पता वो जिंदा है या मर चुका है। लेकिन तब बॉब को क्लिक होता है वो आदमी और कोई नहीं बल्कि वही है जो जॉनसन के साथ हमेशा व्हील चेयर पर रहता है, मतलब इसी ने आर्क बिशप को शूट किया है, इसीलिए वो बॉब का प्लान लिख रहा था। फिर बॉब उससे उस आदमी का नाम पूछता है। फिर निक गेलिंडो से कॉन्टेक्ट करता है और उसे भी उस आदमी का नाम बताकर उसे ढूंढने बोलता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जॉनसन समझ गया था अब तक बॉब ने पता लगा लिया होगा कि उस व्हीलचेयर वाले आदमी ने ही प्रेसिडेंट पर गोली चलाई थी। जॉनसन प्लान बनाता है कि बॉब उसे पकड़ने या मारने जरूर आएगा लेकिन वो लोग इस आदमी को चारा बनाकर पहले से उसका इंतजार करेंगे। फिर हम गेलिंडो को देखते हैं उसने व्हीलचेयर वाले आदमी का नाम पता लगा लिया था। उसका नाम मिखाइलो है और वो निक को मिखाइलो की पूरी जानकारी देती है कि वो इस वक्त वर्जीनिया में किसी अपने फार्म हाउस में है। फिर हम जॉनसन को देखते हैं वो एक सेनेटर के साथ था, इसका मतलब इसमें पॉलिटिशियन भी इन्वॉल्व है। वो सेनेटर से एक प्लेन मांगता है जिससे वो इथोपिया में मौजूद अपने आदमियों को कस्टम से बचाकर यहाँ ला सके क्योंकि उसने बॉब को मारने का प्लान बनाया है। बॉब के जिंदा होने की खबर मिलते ही सेनेटर की हालत खराब हो जाती है। वो जल्द से जल्द बॉब को मार कर जॉनसन से इस मामले को खत्म करने बोलता है। वही हम सेरा को देखते हैं, उसे जॉनसन के आदमी पकड़ लेते हैं।
फिर हम वर्जीनिया में उस फार्म हाउस को देखते हैं जहाँ मिखाइलो छुपा है। उन्होंने बॉब के लिए जाल बिछा रखा था, लेकिन बॉब भी समझ गया था ये एक जाल ही है, इसीलिए उन्हें पूरी तैयारी से यहाँ आना होगा। फिर दोनों जाकर मार्केट से कुछ सामान खरीदते हैं जिससे किसी को शक ना हो। फिर उन सामान से होममेड बॉम्ब्स और गैस बम्ब बनाते हैं। बॉब निक को थोड़ी शूटिंग प्रैक्टिस भी करवाता है। फिर दोनों पूरी तैयारी से मिखाइलो के फार्म हाउस पर आते हैं। निक बॉब को कवर करता है और बॉब घर के चारों तरफ बम रखता है, साथ ही वो पहरा दे रहे आदमियों को खामोशी से ठिकाने लगाता जाता है। फिर घर के अंदर जाता है। बॉब मिखाइलो से पूछता है आखिर जॉनसन कौन है और उन्होंने प्रेसिडेंट पर हमला क्यों करवाया। अगर मिखाइलो ने कुछ नहीं बताया तो बॉब उसे मारकर चलता बनेगा। तब मिखाइलो बताना शुरू करता है। वो बताता है जॉनसन मिलिट्री में कभी कर्नल हुआ करता था और उसने प्रेसिडेंट पर हमला नहीं करवाया, बल्कि उसने आर्क बिशप को ही मरवाया है, क्योंकि अगर किसी को शक के घेरे से दूर रखना है तो बस उसे प्रेसिडेंट के साथ होने पर मरवा दो। लेकिन बिशप ऐसा क्या जानता था। तब मिखाइलो बोलता है सच्चाई, क्योंकि कोई भी हादसा कितना भी भयानक क्यों ना हो लेकिन यहाँ वहाँ के सरकार की मंजूरी के बगैर नहीं होता। बॉब पूछता है इथोपिया में आखिर हुआ क्या था। तब मिखाइलो बताता है एक ऑयल पाइपलाइन बिछाने गांव वाले अपना गांव छोड़ने तैयार नहीं हो रहे थे, लेकिन उन लोगों ने गांव वालों को मनाया नहीं बल्कि सबको मार दिया ताकि बाकी गांव वालों को समझाना ना पड़े। लेकिन बाहर और आदमी आ जाते हैं और उस घर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। मिखाइलो बॉब को इथोपिया में मौजूद एक बड़ी कब्र का एड्रेस बताता है जिसके अंदर उन 400 गांव वालों की लाशें दफन है, जिसमें आदमी, औरतें और बच्चे भी शामिल है। बॉब उस जगह को जानता था क्योंकि 3 साल पहले वही बॉब पाइपलाइन के कॉन्ट्रैक्टर को बचा रहा था जहां उसे मरने के लिए छोड़ दिया गया था। मतलब उस समय जिन लोगों को बॉब आतंकवादी समझ रहा था वो तो अपने गांव वालों की मौत का बदला ले रहे थे और बॉब उन गांव वालों के कातिलों को बचा रहा था। बॉब उससे पूछता है जॉनसन के ऊपर कौन है। मिखाइलो उस सेनेटर के बारे में बताता है। मिखाइलो बॉब को समझाता है वो किससे बदला लेने निकला है। यहाँ नीचे से ऊपर तक सभी इसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली शामिल है, क्योंकि जैसा उसने पहले ही कहा कोई भी घटना इधर या उधर के सरकार की जानकारी के बगैर नहीं होती। सरकार बस उन जैसे लोगों का इस्तेमाल करती है जिनके अंदर देशभक्ति है। उन्हें लगता है वो अपने देश की सेवा कर रहे हैं, लेकिन असलियत में वो बस बड़े लोगों की कठपुतलियां है जिनके हुक्म पर वो किसी को भी मार देते हैं बिना सवाल किए कि कौन बेकसूर है या कौन गुनाहगार या सामने वालों ने आखिर उनका बिगाड़ा क्या है और ये सब किस लिए, सिर्फ पैसा और ताकत के लिए। तभी निक उसे बताता है वो चारों तरफ से घिर चुका है। मिखाइलो बॉब को बता देता है सेरा उन लोगों के पास ही है, फिर खुद को गोली मार लेता है। पहले बॉब निक को उनकी तय की हुई जगह भेजता है और उस घर के अंदर कुछ गैस बम फेंकता है। जैसे ही वो लोग घर के पास आते हैं निक वहाँ के बम ब्लास्ट करता है और बॉब शूट करते हुए बाहर आता है और उसके बाहर आते ही निक अंदर के गैस बम ब्लास्ट करता है। बॉब शूट करते हुए बाहर आ रहा था और घर के कुछ दूर जाने पर निक बाकी बम भी ब्लास्ट कर देता है जिसके धमाके में आधे से ज्यादा आदमी मारे जाते हैं। बॉब शूट करते हुए बाहर आता है, निक भी बचते हुए आदमियों को मारता जा रहा था। बॉब निक के पास पहुंचता है तभी वहाँ एक हेलीकॉप्टर आता है। बॉब उस पर शूट करता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है ये बिल्कुल वैसी ही सिचुएशन है जैसे मूवी की शुरुआत में थी, लेकिन इस बार वो निक को मरने नहीं देता बल्कि उसे वहाँ से दूर घर की आड़ में भेजता है। फिर हेलीकॉप्टर से बचते हुए खुद भी वहाँ आता है। बॉब देखता है सामने बस कुछ लोग ही बचे हैं और हेलीकॉप्टर भी वही आ रहा है। वो निक को उन लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने बोलता है क्योंकि उन लोगों के पास गोलियां भी नहीं बची थी। निक वैसा ही करता है, वो बाहर भागता है जिससे हेलीकॉप्टर उस पर गोलियां चलाता है। तब बॉब बाहर निकलता है और वहाँ मौजूद एक गैस टैंक को शूट करता है जिसके धमाके की चपेट में बचे हुए आदमियों के साथ वो हेलीकॉप्टर भी आ जाता है। दोनों वहाँ से सुरक्षित निकल जाते हैं और वो हेलीकॉप्टर वही क्रैश हो जाता है। FBI ऑफिस में मिखाइलो के फार्म हाउस पर हुई फाइट का पता चलता है, लेकिन इसमें खास बात ये थी कि वहाँ की गोलियों पर बॉब और उनके एजेंट निक के उंगलियों के निशान थे, जिसे सुनते ही सभी सीनियर्स को शॉक लगता है। इस तरफ जॉनसन और उस सेनेटर को समझ में आता है उन लोगों ने बॉब को बहुत कम समझा। अगले सीन में हम देखते हैं निक अपने FBI ऑफिस में कॉल करता है और अपने सीनियर्स को बताता है कि बॉब उसकी हिरासत में है। वो उससे मिखाइलो के घर हुई मुठभेड़ के बारे में पूछता है, लेकिन निक उसे कुछ नहीं बताता और फोन कट कर देता है। FBI ने उसकी लोकेशन ट्रेस कर ली थी। तभी कुछ मिनट्स में उसी फोन पर जॉनसन का कॉल आता है क्योंकि उन लोगों के पास FBI की फोन लाइन्स का भी एक्सेस था। निक ने जानबूझकर FBI में कॉल किया था क्योंकि बॉब को पता था जॉनसन उसे वापस कॉल जरूर करेगा। जॉनसन बॉब को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है क्योंकि सेरा उसके पास है, लेकिन
तब बॉब उसे मिखाइलियो का ऑडियो सुनाता है जो उसने रिकॉर्ड कर लिया था। बॉब उसे सेनेटर के साथ मिलने बुलाता है। पहले जॉनसन सेनेटर को लाने मना करता है, लेकिन बॉब उसे उस ऑयल पंप स्टेशन का एड्रेस बताता है जहां उन गांव वालों को दफनाया गया था। तब जॉनसन मानता है और उसे ऐसी जगह मिलने बुलाता है जहां से वो बॉब को दूर से ही आता देख सके। अगले सीन में हम देखते हैं जॉनसन हेलीकॉप्टर से एक पहाड़ पर आता है। उसके साथ सेरा गन पॉइंट पर थी। कुछ ही देर में दूसरे हेलीकॉप्टर से वह सेनेटर भी आता है। कुछ ही देर में उन्हें कोई काले कपड़ों में उनकी तरफ आते हुए नजर आता है, लेकिन अचानक कोई उसे शूट कर देता है। सेरा ये देखकर रोने लगती है और सेनेटर और जॉनसन खुश होने लगते हैं क्योंकि उन लोगों ने पहले ही यह स्नाइपर छुपा रखे थे। वो खुश हो ही रहे थे तभी उनके स्नाइपर को कोई शूट कर देता है और एक स्नाइपर बॉब को ढूंढने में लगा था और वहाँ वो आदमी भी उठ जाता है और उन लोगों की तरफ आने लगता है। पास आने पर वो देखते हैं वो निक है। एक और स्नाइपर निक पर निशाना लगाता है लेकिन बॉब दूर से ही उसे भी शूट कर देता है। तीसरे स्नाइपर को बॉब दिख जाता है लेकिन उसका दूरबीन चमक जाता है जिससे बॉब को उसकी लोकेशन मिल जाती है और बॉब उसे पट से हेडशॉट देता है। निक अपनी छाती से लोहे का टुकड़ा निकालता है लेकिन उस आदमी ने सेरा को पकड़ रखा था। उसने अपनी गन को टेप से अपने हाथ पर बांध रखा था। अगर उसे गोली लगी तो जकड़न से ट्रिगर दब जाएगा। फिर हम बर्फ में बॉब को देखते हैं। वो उस आदमी पर निशाना लगाकर शूट करता है और गोली सीधा उसके हाथ में लगती है जिससे बंदूक का हैंडल उसके हाथ में ही रह जाता है और उसकी उंगलियां भी उड़ जाती है। फिर बॉब उसका हाथ भी उड़ा देता है। अब जॉनसन की हालत खराब होने लगती है। फिर बॉब बाहर निकलता है और उन लोगों की तरफ आता है। दूसरी तरफ FBI एकदम रेडी थी। उन्हें निक का एक लेटर मिलता है और FBI तुरंत वहां से निकलती है। इधर सेनेटर बॉब को अपने साथ काम करने का ऑफर देता है। बॉब उसे गाली देकर इथोपिया के उस गांव का जिक्र करता है लेकिन सेनेटर को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो इनडायरेक्टली ये भी बता देता है कि सरकार को इस बारे में सब पता था। तभी वह FBI के हेलीकॉप्टर आते हैं। बॉब उस टेप को निकालता है और वही जला देता है। निक उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि ये उसकी बेगुनाही का सबूत था, लेकिन बॉब बताता है अगर ये टेप अधिकारियों के हाथ लग गया तो सेनेटर और जॉनसन तो मरेंगे ही मगर सरकार उन लोगों को भी गायब करवा देगी क्योंकि इसमें नीचे से ऊपर तक सभी शामिल है। ये देखकर सेनेटर और जॉनसन बहुत खुश होते हैं। फिर सेनेटर वहां से चला जाता है। बॉब भी उसे जाने देता है। जॉनसन उसे बोलता है FBI के पास उसकी राइफल है, वो बच नहीं सकता। तब तक FBI भी वहां पहुंच जाती है और बॉब उन्हें सरेंडर कर देता है। अगले सीन में हम वॉशिंगटन में डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को देखते हैं। बॉब को वहां लाया जाता है। वहां उसकी राइफल भी रखी हुई थी। बॉब के हाथ खोले जाते हैं। निक उससे आकर हाथ मिलाता है और चुपके से उसे कुछ देता है। वहां FBI का डायरेक्टर, जज, सेरा और जॉनसन भी था। इस मीटिंग की रिक्वेस्ट बॉब ने ही की थी। जॉनसन यहाँ से जाना चाहता था। जज को बड़े अधिकारियों से उसे छोड़ने के लिए बहुत से कॉल भी आ चुके थे लेकिन जज उसे जाने नहीं देता। बॉब मानता है ये राइफल उसी की है और बिशप को लगी गोली भी उसी की थी। बिशप को मरने के कुछ समय बाद ही इसे जब्त किया गया था और तब से राइफल FBI के पास थी जिससे कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। उन लोगों के पास इस राइफल के अलावा और कोई सबूत नहीं था कि बॉब ने ही बिशप को मारा है। बॉब तुरंत उसमें गोली डालता है और जॉनसन की तरफ रखकर फायर करता है लेकिन गोली नहीं चलती। बॉब बताता है वो हमेशा घर से जाने से पहले अपने सभी हथियार के फायर पिन निकाल लेता है जो सिर्फ उसे ही पता है। जो गोली बिशप को लगी थी वो इसी से चली थी लेकिन कई दिन पहले। बॉब बताता है कि कैसे जॉनसन ने उसे नकली देशभक्ति का वास्ता देकर फंसाया लेकिन जॉनसन इस पर हंसता है क्योंकि जॉनसन के खिलाफ भी कोई सबूत नहीं था। तब निक जज को इथोपिया के उस गांव के लोगों की लाशों की फोटो दिखाता है जिसे देखकर जज को भी बहुत गुस्सा आता है। जॉनसन मना नहीं करता कि उन मौतों के पीछे वही है लेकिन वो क्राइम्स उसने अमेरिका से बाहर किए हैं और ये अदालत अमेरिका में है। जज के पास कोई पावर नहीं कि वो जॉनसन को उन क्राइम्स की सजा दे सके जो उसने अमेरिका से बाहर किए हैं। जॉनसन बॉब को ताना मारते हुए वहां से चला जाता है। जज बॉब को बोलता है ऐसे लोगों को कभी सजा नहीं होगी क्योंकि ये सबकी मिलीभगत है लेकिन इन लोगों का फैसला कोर्ट से बाहर ही होना चाहिए। जज इनडायरेक्टली बॉब को बता देता है उसे आगे क्या करना है। फिर बॉब को निर्दोष करार देकर छोड़ दिया जाता है। फिर हम देखते हैं जॉनसन और सेनेटर बॉब और उस जज का मजाक बना रहे थे कि कैसे सब पता होने के बाद भी वो लोग कुछ नहीं कर सकते। वो लोग अपने आप पर इतरा ही रहे थे लेकिन तभी एक आदमी की लाश नीचे गिरती है। वो समझ जाते हैं ये बॉब है। जैसे ही जॉनसन खड़ा होता है एक गोली उसके गले से आर पार हो जाती है। सेनेटर अपने आदमी को कार निकालने बोलता है लेकिन तभी
भी उसकी कार ब्लास्ट हो जाती है। बॉब उस घर के नीचे था। बॉब उस आदमी के पैर में गोली मारता है जो सब लोगों की इन्फॉर्मेशन निकालता था। फिर बॉब आखिरी आदमी को मारकर अंदर आता है। पहले वो उस आदमी को मारता है, फिर सेनेटर के पास आता है। वो बोलता है वो यूनाइटेड स्टेट का सेनेटर है, लेकिन तभी बॉब उसका भेजा उड़ा देता है। फिर उस घर का गैस पाइप तोड़ देता है और उसके बाहर आते ही वो घर भी ब्लास्ट हो जाता है और खुद को देशभक्त बताने वाले कुछ देशद्रोही मारे जाते हैं। कुछ ही दूरी पर सेहरा कार के साथ बॉब का इंतजार कर रही थी। फिर बॉब और सेहरा वहाँ से निकल जाते हैं और ये मूवी भी यही एंड होती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो और मेरा एक्सप्लेनेशन, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट जरूर करें। और ऐसी ही अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन में। पीस आउट।